फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी किसी भी क्लाइंट का अगर नया जीएसटी नंबर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कभी आपके पास में इस प्रकार से मैसेज डिस्प्ले हुआ हो, पैन डज नॉट एग्जिट। इस केस में क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी क्लाइंट का नया जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आप पैन नंबर तो आप सही यहाँ फिल करते हैं, उसके बाद भी जो है आपको जीएसटी पोर्टल पे अगर आपको इस प्रकार से आपका शो होता है तो फ्रेंड सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का वेबसाइट ओपन करके जो है यहाँ पे पैन का आप वेरिफिकेशन कर ले। पैन यहाँ पे अगर आपका वेरिफिकेशन सही बता रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसके रिगार्डिंग जो है आपको ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके जो है यानी कि जीएसटी का जो भी ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ पे जो है आपको क्वेरी रेज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप रेज नहीं करेंगे तो आप क्लाइंट का नया जीएसटी नंबर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रेज नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ किस किस केस में जो है ये आपका शो करता है। पहला जो केस है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर यहाँ पे पैन कार्ड को अगर आप रजिस्टर करके अगर जीएसटी अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है कभी कभी ये एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे एमसीए की तरफ से जो है पैन कार्ड डाटाबेस को अपडेट करने में जो है थोड़ा डिले कर देते हैं तो उसके कारण जो है ये एरर शो करता है। और कभी कभी यहाँ पे पैन नंबर सही होने के कारण भी जो है यहाँ पे आपका पैन डज नॉट एग्जिट का जो है ये एरर आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो है आपको यहाँ पे इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है जो भी यहाँ पे एरर शो कर रहा है। उसके बाद जो है आपको जीएसटी का इस पोर्टल पे यानी कि होम पेज पे यहाँ पे आ जाना है और नीचे आना है और यहाँ पे दे सकते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर जीएसटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे ग्रीवियंस का पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब आपका क्वेरी रेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस पर टिक आउट करना पड़ेगा यानी क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना टाइप ऑफ इशू है, तो यहाँ पे जो है आप अपना इशू जो है यानी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप दे सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और इशू इन पेन ये आ रहा है, तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है अब आपका कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे दिए जाते हैं, तो अगर आपको इसको देख के कुछ हेल्प मिलता है तो फ्रेंड्स आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। पर मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसको पढ़ के जो है मुझे यहाँ पे कुछ हेल्प मिलने वाला, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेज करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नो आई वॉन्ट टू लॉज माई कंप्लेंट, ठीक है, और यहाँ पे यस लिखा हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नो आई वॉन्ट टू लॉज माई कंप्लेंट, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप देते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर अब देते जाता हूँ। यहाँ पैन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है तो वो स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे प्रीवियस डॉक्यूमेंट अगर है तभी दे, अदरवाइज इसको आप लीव छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं कि ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है और यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा गया है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर विच इज़ इशू रिपोर्टेड, ठीक है ना, तो यहाँ पूछा गया है कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो यही सेम जो है आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे लिखना है। एरर मैसेज जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से जो भी एरर आ रहा है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके और आप इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इशू डिस्क्रिप्शन, तो सेम जो एरर मैसेज है वही इशू डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई आपने जिस क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका पैन जो है पूरा सही है, उसका वेरिफिकेशन भी मैंने करके देख लिया, उसके बाद भी न्यू रजिस्ट्रेशन में जब मैं पैन नंबर फिल करके रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो आपका पैन डज नॉट एग्जिट बता रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेने, तो आपको उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे जेपीजी या आप जो है पीएनजी फाइल में जो है और पीडीएफ फाइल में भी जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये कैप्चा आपको इसमें फिल करना है, उसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से मैसेज डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका टिकट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और आपके इशू के रिगार्डिंग आपके मेल आईडी पे यहाँ पे आपको मेल भी गया है। तो फ्रेंड्स आप इस टिकट नंबर के थ्रू जो है आप अपने यहाँ पे स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे ट्रैक करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं चेक स्टेटस है, आपको चेक स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला है आप उस रेफरेंस नंबर को यहाँ फिल करेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करके आप यहाँ सर्च करके जो है आप अपने एप्लीकेशन यानी कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी था उसको आप यहाँ पे स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो 48 आवर्स के अंदर जो है यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा जीएसटी सर्कल की तरफ से। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी इस प्रकार से एरर का मैसेज शो होता है तो आप जीएसटी के ग्रीवियंस पोर्टल पर जाकर जो है आप इस प्रकार से जो है आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।